लड़की की जली हुई चीता की राख बनी जीवित लड़की और सीधा थाने पहुंच गई। पुलिस हैरान हो गई, लड़की के परिजन सन्न रह गए। जी हाँ, पटना से एक हैरान करने वाली खबर आई है जो वाकई सनसनी बन गया है। मामला गौरीचक थाना की है, जहां गुरुवार को थाना परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मची जब अंतिम संस्कार कर दी गई लड़की ने थाना परिसर में पहुंचकर दावा किया कि मैं जीवित हूं। वाकई लड़की की यह हैरान करने वाली दावा से हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि जिसे चीता पर जलाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया हो वो जीवित कैसे हो सकती है। लेकिन ऐसा ही हुआ है। दरअसल गौरीचक थाना क्षेत्र के अंधारी गांव से 1.5 माह पूर्व लड़की गायब हो गई थी। परिजनों ने थाना में शिकायत की थी। पुलिस को अंधारी गांव के समीप गड्ढे में एक लड़की की अर्धनग्न अवस्था में शव मिली, जिसका गला कटा हुआ था, चेहरों को कुचला हुआ था। इस लापता बेटी की मां ने शव देखकर बेटी के रूप में पहचान की। पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार कर दिया गया। मां ने गांव के ही कुछ युवकों पर बेटी के हत्या का आरोप लगाई थी, लेकिन 1.5 माह बाद लड़की गौरीचक थाना पहुंची और जिंदा होने की दावा की। और वह प्रेमी के साथ चेन्नई में रह रही थी, लड़की ने ऐसा भी दावा की। बताया जा रहा है कि लड़की गर्भवती है, जिसकी 164 की बयान होगी। वहीं लड़की के सामने आते ही इलाके में खलबली मच गई है और पुलिस के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुलिस के लिए यह मामला सिर दर्द बन गया है कि आखिर जिस लड़की की अंतिम संस्कार कर दिया गया वो लड़की कौन थी।